नगर परिषद हमीरपुर में वार्ड नंबर 10 में सोमवार को दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के लिए घर में घुसे चोरों ने जब कमरे का ताला नहीं टूटा तो कुंडी ही उखाड़ दी। कमरे में घुसकर चोरों ने गहनों पर हाथ साफ किया है। जिस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया उस समय परिवार के सदस्य शादी के समारोह में गए थे। परिवार के सदस्य दोपहर करीब 1:30 बजे पक्का ब्रो शादी अटेंड करने के लिए गए थे। शाम करीब 4 बजे जब वे वापस लौटते तो कुंडी टूटी देखकर दंग रह गए। जब भीतर जाकर देखा तो एक जोड़ी सोने की झुमके, पायलों की जोड़ी, शगुन के लिफाफे आदि गायब थे। बाद में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। दिन दिहाड़े चोरी की वारदात के बाद लोग सहम गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व बैंक मैनेजर आरसी शर्मा निवासी वार्ड नंबर 10 के घरों में चोरों ने सेंधमारी की है। सोमवार दोपहर बाद परिवार एक शादी को अटेंड करने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान चोर मकान के अंदर घुसे। हालांकि मकान की ऊपरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। चोरों ने कमरे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गहने चुरा लिए हैं। जब परिवार शादी से लौटा तो देखा कि कुंडी टूटी है तथा कमरे के अंदर सामान बिखर रहा है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। 1:30 बजे के करीब करीब ऊपर पक्का पर वो शादी में गए थे और ताला लगा के गए थे और नीचे कुंडी कंडी लगाई थी। गेट वगैरह बंद थे। ऊपर किराएदार रहते हैं एक, वो यहीं थे। और जब हम वापस आए 4 बजे के करीब तो यहाँ पर कुंडे कांडे उखाड़े हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था और जो कांटे थे मिशी के वो गायब हैं और बाकी शगन शगुन के लफाफे वगैरह जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। देखना है क्या क्या गया है और तो उनको ज़्यादा शायद मौका नहीं लगा, कोई आ गया वो बीच में, पता नहीं क्या है। कोई लेडी आई है इस दौरान कोई 1:30-2 बजे, एक छोटा सा बच्चा बता रहा है, वो कह रही कि किराया के लिए मकान खाली है। वो नीचे गेट खोल के ऊपर चली गई थी और उस वहाँ से उसको वापस आने का पता नहीं लग रहा था। फिर बच्चे से पूछा कि मेरे को नीचे जाने का रास्ता बताओ, तो वो फिर उसके चली गई वहाँ से। अब हो सकता है उसके साथ कोई और साथी आए हों जो ये काम करते रहे और ये पूछते रहे, ये इसने व्यस्त रखा उनको। 4:23 पर हमने 100 नंबर पर पुलिस को रिपोर्ट कर दी कि ऐसे ऐसे मिस है, चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी अभी फॉरवर्ड करते हैं, अभी थे। उसके बाद और नंबरों से टेलीफोन आते रहे कि हम आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अब ये 5:25 होने जा रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। और टीवी कैमरे भी हैं इधर लगे हुए हैं, अगर छानबीन करना करें तो शायद पता लग जाए कौन कैसा हुआ। इस सेम ऐसा ही घटना 4-5 दिन पहले पड़ोस में भी किसी का ताला टूटा है, लेकिन वहाँ से उनको चोरी का कुछ मिला नहीं, नया मकान था ना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अन्य मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोरों का सुराग लग सके। एसएचओ हमीरपुर निर्मल सिंह का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।